अस्पताल प्रशासन और समाजसेवी संस्था की पहल से कुल्लू अस्पताल में अब तीमारदारों को निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में तीमारदारों को दोनों समय भोजन दिया जाएगा। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को अब दोनों समय का मुफ्त भोजन मिलना शुरू हो गया है। सुबह 10:30 और शाम को 6:30 बजे भोजन वितरित किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के प्रयास से एक समाज सेवी संस्था की मानवीय पहल पर उपलब्ध हुई इस सुविधा की सर्वत्र सराहना हो रही है। अब जरूरतमंद परिजन अपने भोजन की चिंता से बेफिक्र रहते हुए भर्ती मरीज का ख्याल रख सकेंगे। अस्पताल परिसर में भोजन वितरण की व्यवस्था की गई है। खाना लेने के बाद परिजन यहीं पर बैठकर भोजन करते हैं ताकि अस्पताल में गंदगी ना हो। संस्था के अधिकारी रमेश ने बताया कि पहले मरीजों के परिजनों को दोनों समय खाने की चिंता लगी रहती थी, लेकिन अब भोजन की सुविधा मिलने के बाद तीमारदारों की चिंता खत्म हो गई है और जेब पर पड़ने वाला आर्थिक भार भी कम हो गया है। उन्होंने बताया कि 3 साल से संस्था रविवार के दिन ही भोजन उपलब्ध करवाती थी, लेकिन अब प्रतिदिन दिया जा रहा है। माँ अन्नपूर्णा ग्रुप की तरफ से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेली प्रतिदिन खाना, सुबह 7 बजे चाय, दिन को 4 बजे दलिया और 7 बजे खाना डेली शहरवासियों की मदद से, शहरवासियों के सहयोग से बनाया जा रहा है। हो गए प्रतिदिन और 3 साल से हर संडे करते थे। 65 दिन का लक्ष्य है जो हम प्रतिदिन चलाएंगे। एक ही जगह दलिया दिया जाता है। एक्चुअली हमारा जो लक्ष्य है ये अटेंडरों के लिए है, मरीजों के लिए सिर्फ दलिया और चाय और ब्रेड है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।